देखो। नहीं ये थोड़ा तड़कता भड़कता नहीं है कुछ। हाँ, तो तुम भी तो तड़कती भड़कती हो। या नहीं थोड़ा थोड़ा सिंपल सा एलिगेंट। ओके ओके वेट। ये देखो ये वाला देखो। ठीक है मतलब कहाँ अच्छा। यो गाइस व्हाट्स अप ब्रो कैसा भीगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई तू बता। हाय करण हाउ आर यू। अरे हाय गाइस सर पे क्या हुआ। ये क्या हुआ कैसे लग गई तुम्हें चोट। ये कुछ नहीं वो एक्चुअली मैं रोड पे चल रहा था और अचानक से मेरा पैर फिसल गया और वहां पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे तो। पीके और विहान को एक ही जगह एक ही तरीके से चोट कैसे लग सकती है। ये सब कुछ हो क्या रहा है। बट डोंट वरी ज्यादा चोट नहीं लगी है मैं आई बी फाइन। झूठ बोल रहा है पीके कहीं करण ने इसे भी। क्या बात है पीके बड़ी अर्जेंसी में बुला लिया मुझे। बहुत पैसे वैसे कमा लिए आपने। हार गया भाई सारे पैसे हार गया। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई प्लीज मेरी मदद कर दे। मैं ना तेरे पैसे तुझे लौटा दूंगा भाई बस अभी के लिए नहीं तो ये लोग यार। कितने पैसे आ रहे हो। 50,000। 50,000 देखो पीके फिलहाल 50,000 तो कैश नहीं है मेरे पास। बट यू डोंट वरी विल फिगर समथिंग आउट। हाँ भाई वो हम लोग करें अरेंजमेंट हो जाएगा बस अभी नहीं है बट हो जाएगा भाई हो जाएगा। By the way, दिया, एक मिनट वहाँ होगी मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्यों? अरे आओ ना प्लीज गाइज वन सेकंड। एक मिनट। हाँ क्या है? वो कुछ लाया था तुम्हारे लिए। क्या लाए थे? ये चाहिए था ना। ओह माय गॉड पीके तुम लेकर आए मेरे लिए। देख लो फोन ठीक है ना। यही सोच रहा है ना जय इस वक्त कि इन दोनों को एक ही जगह कैसे चोट लगी। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। सोचता रहे रो तो सिर्फ सोचता रह जाएगा पर कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ये क्या कर रहे हो। पूरे घर में ना सीसीटीवी लगा रहा हूं। अब बहुत हो चुका। अब तो मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। क्या? हाँ त्या हाँ। क्योंकि ना कोइंसिडेंस की भी हद होती है। दो लोगों को सेम जगह चोट लगती है सेम टाइम पे चोट लगती है और रीजन भी सेम होता है। ये तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और कौन बोल रहा है ये मैं पता लगा के रहूंगा। पता नहीं सब कुछ कर कौन रहा है। किसी को क्या मिलेगा मैं टॉर्चर करके यार।
कल रात से कुछ नहीं खाया है इन्होंने। खाना क्यों नहीं खाया आपने? चलो मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाता हूँ। अरे भाई क्या है खाने में? ओ गर्मा गर्म खाना। ओ हो, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे वाह भाई वाह, देखो अब हमें खाना खाकर फट से एनर्जी आ जाएगी और फिर बहुत सारी ताकत आ जाएगी हमें। हाँ फिर हम फट से खूब सारी रनिंग करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे वापस पहले की जैसे, और झट से खड़े हो जाएंगे। आ करो और फट से खा लो। आ आ मुंह खोलो। आ अच्छा एक काम करते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं। अब हमने हाफ कर लिया, अभी जल्दी से खा लो। हाँ मेरे लिए थोड़ा सा। आ करो प्लीज खा लो। अच्छा कोई बात नहीं, खाना मत खाओ। कोई बात नहीं, अगर खाना नहीं खाना है तो हम अब अपनी एक्सरसाइज करते हैं, है ना? चलो जल्दी से एक्सरसाइज करो और अपना राइट हैंड मुझे उठा के दिखाओ। कम ऑन, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। आपको चॉकलेट चाहिए ना? चलो राइट हैंड जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ उठाओ उठाओ। बस बेटा अब आपको और दर्द सहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब दर्द सहने की बारी उस जय मित्तल की है। उस जय मित्तल को मैं बर्बाद कर दूंगा। जितना दुख उस परिवार ने आपको दिया है ना, वो सारा दुख चुन चुन करके वापस दूंगा। जैसे दिल दिल कर कर आज मेरी बहन जी रही है ना, वैसे ही दिल दिल कर कर तू मरेगा जय मित्तल, और तुझे मैं मरूंगा। हमने ऐसा किया क्या जो कोई ये सब कुछ कर रहा है हमारे साथ? लेकिन कोई नहीं, अब तुम्हें पता लगा के रहूंगा। तुम्हारी तकलीफ का जिम्मेदार मित्तल से, अब तुम्हारी हर तकलीफ का दर्द उन्हें भी होगा। करने दो उन्हें तैयारी, जयाध्या की सगाई नहीं होगी, तमाशा होगा। मैं प्रॉमिस करती हूं।